हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय ऑफिशियल यूट्यूब चैनल टेक्निकल गवर्नमेंट जॉब स्टडी। दोस्तों, आप सभी के लिए बड़ी गुड न्यूज़ है क्योंकि एक्सिस बैंक में आ चुकी है नई वैकेंसी। जी हां दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एक्सिस बैंक रिक्रूटमेंट 2024 के बारे में। तो दोस्तों, एक्सिस बैंक की तरफ से अलग अलग डिपार्टमेंट से पहली बार नई भर्तियां निकाली गई है, जिसकी पूरी जानकारी हम आपको देंगे आज के इस वीडियो में। तो सबसे पहले आपको बता दें कि यहां पर अलग अलग डिपार्टमेंट से अलग अलग कैटेगरी वाइज वैकेंसीज निकाली गई है, जिसके लिए 10th क्लास पास से लेकर के 12th पास और ग्रेजुएट पास सभी क्वालिफाइड कैंडिडेट जो है अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों, इसके आवेदन आपसे ऑनलाइन मांगे जा रहे हैं और ऑनलाइन अप्लाई करते समय आपसे कोई भी फीस नहीं मांगी जा रही है, बिल्कुल फ्री में आपको अप्लाई करना होगा। ऑल इंडिया से सभी मेल और फीमेल कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों, वीडियो को पूरा ध्यान से जरूर देखिएगा क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होने वाला है अप्लाई करने का, ताकि आप अप्लाई अच्छे से कर सकें, आपको ये जॉब मिल सके। काफी बच्चे जो है अप्लाई करते हैं लेकिन उनका फॉर्म जो है रिजेक्ट हो जाता है, लेकिन अगर आप ये पूरा वीडियो देखते हैं तो आप अच्छे से अप्लाई भी कर पाएंगे, आपको ये जॉब भी मिलेगी 100%। तो कैसे आपको ये जॉब मिलने वाली है सारी जानकारी आपको देंगे, बस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। और वीडियो को लाइक करने में बिल्कुल भी कंजूसी मत कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को लाइक कीजिएगा क्योंकि आपके एक लाइक करने से हमें मोटिवेशन मिलता है और इसी प्रकार नई जॉब्स की अपडेट आपको सबसे पहले लेकर आते हैं। और दोस्तों, कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपने इस वैकेंसी के लिए अभी तक अप्लाई किया है या नहीं किया है और आप कितनी क्वालिफाइड हैं, यानी कि अगर आप 10वीं पास है तो कमेंट जरूर कीजिएगा, 12वीं पास है, ग्रेजुएट पास है, आईटीआई डिप्लोमा डिग्री पास है, जो भी आपकी क्वालिफिकेशन है कमेंट करके जरूर बताइएगा, ताकि आपकी क्वालिफिकेशन के बेसिस पे जो भी नई भर्तियां आती हैं उनकी जानकारी आपको सबसे पहले मिल सके। तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो जैसा कि दोस्तों आप देख सकते हैं, हमारा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल है टेक्निकल गवर्नमेंट जॉब स्टडी। यहां पर आपको रोजाना गवर्नमेंट जॉब की जानकारी सबसे पहले दी जाती है। अगर आप किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हैं, किसी भी सिटी में रहते हैं इंडिया में, तो आप हमारे चैनल के माध्यम से पूरी वैकेंसी की अपडेट ले सकते हैं और अप्लाई भी कर सकते हैं, क्योंकि पूरी जानकारी के साथ साथ अप्लाई करने का लिंक भी आपको यहां पर प्रोवाइड किया जाता है। तो रोजाना नई जॉब की अपडेट के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आप चाहे तो यूट्यूब पर सर्च कर सकते हैं टेक्निकल गवर्नमेंट जॉब स्टडी, जैसे ही आप सर्च करेंगे आपको सबसे पर सबसे पहले ये YouTube चैनल मिल जाएगा। इसका लोगो आप पहचान सकते हैं किस प्रकार का लोगो है, और यहां पर जाकर के आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं एक्सिस बैंक की नई रिक्रूटमेंट के बारे में, जो कि बिना एग्जाम के बिल्कुल सीधी भर्ती है। यहां पर आपकी कोई भी परीक्षा नहीं होने वाली है, वहीं सैलरी 52,000 रुपए महीना आपको मिल रही है, जो कि काफी अच्छी सैलरी है। 10th, 12th और ग्रेजुएट पास सभी के लिए जॉब है और ऑल इंडिया के फ्रेशर मेल फीमेल कैंडिडेट्स जो हैं अप्लाई कर सकते हैं। तो कैसे अप्लाई करना है, सीधा आपको ऑफिशियल वेबसाइट पर लेके चलते हैं। फ्रेंड्स, हमारी जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो है tipswarrior.xyz। यहां पर आपको सबसे पहले नई रिक्रूटमेंट की अपडेट दी जाती है, आप चाहें तो इसे गूगल में भी टाइप करके सर्च कर सकते हैं। तो हम आ चुके हैं सीधा वेबसाइट पर और आज हम बात करेंगे एक्सिस बैंक की नई रिक्रूटमेंट के बारे में। तो एक्सिस बैंक से आप देखते हैं पहली बार जो वैकेंसीज निकाली गई है उनमें कौन कौन सी वैकेंसीज हैं, असिस्टेंट की है, एडमिन एग्जीक्यूटिव की है, एग्जीक्यूटिव्स की है, असिस्टेंट की है, बैंकिंग आरओ की है, आरएम की है, सर्कल हेड की है, एडमिन एग्जीक्यूटिव की है, बिजनेस एनालिस्ट की है, एग्जीक्यूटिव की है, असिस्टेंट डेस्क मैनेजर की है, क्लर्क की है, ड्राइवर की है। आप देख सकते हैं मल्टीपल जॉब्स यहाँ पर निकाली गई है। दोस्तों, इन वैकेंसी के लिए ऑल इंडिया के मेल फीमेल सभी कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं। जॉब का टाइप आप देख सकते हैं बैंक की जॉब है। अप्लाई डेट ऑलरेडी आवेदन शुरू हो चुके हैं और अप्लाई मोड केवल ऑनलाइन है, यानी कि ऑनलाइन ही आपको अप्लाई करना होगा। सिलेक्शन के प्रोसेस में आपका केवल पर्सनल इंटरव्यू होगा या फिर ग्रुप डिस्कशन होगा, जीडी होगा। वहीं सैलरी आप देख सकते हैं एक्सिस बैंक के रूल्स के हिसाब से आपको सैलरी काफ़ी अच्छी मिल रही है और जॉब लोकेशन ऑल ओवर इंडिया की है। एक्सिस बैंक के अलावा और भी नई वैकेंसीज हैं जो कि आप लेटेस्ट जॉब में चेकआउट कर सकते हैं, उनके अप्लाई करने के लिंक भी यहाँ पर दिए गए हैं। वहीं दोस्तों, एक्सिस बैंक की इस वैकेंसी के लिए आपकी जो एज होनी चाहिए वो कम से कम 18 होनी चाहिए, मैक्सिमम के लिए कोई भी लिमिट नहीं है। वहीं इस वैकेंसी के लिए एप्लीकेशन फीस जो है जनरल ओबीसी के लिए, एससी एसटी के लिए, सभी के लिए बिल्कुल फ्री है और एजुकेशन क्वालिफिकेशन में 12th पास और ग्रेजुएट पास कैंडिडेट जो हैं अप्लाई कर सकते हैं, इनमें से कोई भी क्वालिफिकेशन है तो अप्लाई कीजिएगा। दोस्तों, यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट ये है कि यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स में आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की आवश्यकता पड़ने वाली है। अगर आप एक्सिस बैंक की वैकेंसी के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ पर सबसे पहले आपका रिज्यूमे चाहिए, जिसे आप कहते हैं सीवी, ठीक है। तो यहाँ पर आपका सीवी चाहिए जिसमें आपकी क्वालिफिकेशन, आपका बैकग्राउंड, आपका वर्क एक्सपीरियंस, आपकी स्किल्स, आपके अचीवमेंट जो भी हैं सब आपके उसमें मेंशन होने चाहिए। वहीं एजुकेशन के जो भी सर्टिफिकेट हैं उनकी जानकारी के साथ साथ उनके सर्टिफिकेट की कॉपीज भी चाहिए यहाँ पर, ठीक है। और आईडी प्रूफ में जो भी आपके पास आईडी प्रूफ है उनमें से एक आपका आईडी प्रूफ लगेगा। एक्सपीरियंस के सर्टिफिकेट अगर आपके पास हैं तो वो आपको देने होंगे, लेटर हो या फिर सर्टिफिकेट हैं जो भी हैं। और पास प्रोफेशनल सर्टिफिकेट या लाइसेंस जो भी है वो आप यहाँ पर लगा सकते हैं। रेफरेंस अगर आपका कोई भी एक्सिस बैंक में काम करता है उसका रेफरेंस आप दे सकते हैं। पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ आपकी यहाँ पर लगेगी, ठीक है। एड्रेस प्रूफ आपका चाहिए यहाँ पर, जो भी है आप लगा सकते हैं।
बैंक डिटेल, जब भी आप ज्वाइनिंग करते हैं तो सैलरी आपके कौन से अकाउंट में आएगी वो अकाउंट की डिटेल्स आपको यहाँ पर देनी है, और जो भी अलग अदर से जो भी डॉक्यूमेंट्स है वो आप यहाँ पर लगा सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार के डॉक्यूमेंट्स की आपको आवश्यकता पड़ने वाली है, और अप्लाई किस प्रकार करना है वो पूरी जानकारी यहाँ पर दी गई है। तो पूरा चेकआउट कीजिएगा, और आवेदन करने का लिंक है यहाँ पर, आपको जस्ट क्लिक करना है, आप सीधा एक्सिस बैंक के करियर पोर्टल पर आ जाएंगे। ठीक है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं अलग अलग वैकेंसीज हैं, आप यहाँ पर एक्सपीरियंस के हिसाब से भी वैकेंसी को सर्च कर सकते हैं। अगर आप एज अ फ्रेशर हैं तो मैंने यहाँ पर आप देख सकते हैं जीरो कर दिया है, और यहाँ पर सर्च कर दिया है, तो आप देख सकते हैं बिल्कुल फ्रेशर्स के लिए यहाँ पर वैकेंसीज निकाली गई है। मल्टीपल जॉब से अप्लाई कीजिएगा, यहाँ पर आपको क्लिक करना है, क्लिक करने के बाद आप सीधा नए पेज पर आ जाएंगे, यहाँ पर पूरी जानकारी ले सकते हैं कौन कौन सी पोस्ट है, इस वैकेंसी के लिए आपको करना क्या होगा, अप्लाई कैसे करना है, क्वालिफिकेशन क्या है, सारी जानकारी यहाँ पर दे रखी है, और अप्लाई करने का बटन यहाँ पर दिया गया है, यहाँ पर आप क्लिक करके अप्लाई भी कर सकते हैं। तो सिंपली आपको ये ऑनलाइन फॉर्म भरना है जिसमें आपका फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम, आपका ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, पिन कोड क्या है सब डालना है और सबमिट कर देना है। सिंपल आपको इस प्रकार अप्लाई करना है। ठीक है, तो दोस्तों और भी नई भर्तियां हैं जिसकी जानकारी आप चाहें तो हमारे यूट्यूब चैनल के थ्रू भी ले सकते हैं, इसे सब्सक्राइब करके, और या फिर आप हमारी वेबसाइट के थ्रू भी ले सकते हैं। तो दोस्तों रोजाना नई जॉब के अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा। थैंक यू सो मच।